गया से बच्चों को पढ़ाने की इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये दो टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये दो टीचर तीन बच्चों को ट्यूशन नहीं बल्कि क्लास में पढ़ा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि गांव में कुछ ऐसा हुआ है जो बाकी बच्चे स्कूल नहीं आ सके, लेकिन ऐसा भी नहीं है। गया के खिजर सराय ब्लॉक के मनसा बिगा मध्य विद्यालय में कुल 9 छात्रों का नामांकन है, लेकिन पढ़ने आते हैं सिर्फ 3 छात्र। आपने बिल्कुल सही सुना, इस स्कूल में 3 ही छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय का अपना 2 मंजिला भवन भी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टीचर्स हैं। वहीं मिड डे मील के लिए एक रसोईया था जिसे अब हटा दिया गया है। स्कूल में नियुक्त शिक्षक कहते हैं कि 50 घरों की इस बस्ती के लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ने भेजते हैं, जिसके कारण पिछले 3 सालों से यहां छात्रों की संख्या लगातार कम होती चली गई। ये प्राथमिक विद्यालय है और चिरैली पंचायत में आता है। एडमिशन तो 9 का है, लेकिन मतलब अभी तो 3 आ रहे हैं। क्यों इतना कम क्यों आते हैं? बगल में गांव है, तो बगल में स्कूल हो जाने के कारण मतलब उसी में लोग कुछ जा रहे हैं बच्चे। दो शिक्षक हैं आप लोग? कोशिश तो की कर रहे हैं और मतलब पहले भी किए हैं, लेकिन मतलब लोगों का यही है कि मतलब यहाँ से अच्छा पढ़ाई मतलब बाहर के स्कूल में हो रहा है। ये आपका बच्चा कम होने का मतलब 2012 से मतलब कम है यहाँ, और अभी जाके 1 साल में और कम हो गया। हाँ, पहले ज़्यादा बच्चे थे क्योंकि यहाँ मतलब जो स्कूल खुला हुआ था प्राइवेट ये सब नहीं था ज़्यादा, और अब तेज़ी से मतलब ज़्यादा होने लगा है। हाँ, शिक्षक में है 2 लोग हैं, एक सर अभी प्रतिनियुक्त मने आए हुए हैं और पहले वाले टीचर चले गए, और एक हम हैं। और बच्चे तो अभी 3 ही हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि स्कूल में बेहतर पढ़ाई नहीं होती है और स्कूल में शिक्षक अच्छे नहीं हैं। कुछ ने कहा कि पहले जो शिक्षक थे उनकी विधि व्यवस्था ठीक नहीं थी,